Assalamu alaikum. Eid Mubarak. I wish I could hug, but... Me too. I wish I would have hugged you because you came to my home. Thank you. Eid Mubarak. Aapko bhi. Lekin pandemic ki wajah se, I think it's the best way to keep the distance. Logo ke liye. Yes. Please aaiye. Thank you. सरताज, आज आपके साथ ईद मनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं. ईद सबसे पहले एक वजीर, एक खातून, दो अलग अलग. अब इस वक्त आप हुकूमत में हैं, इससे पहले की ईद में और अब की ईद में कुछ फ़र्क है या वैसे ही चल रही है? पॉलिटिक्स से पहले या अब्बल इतना कोई ख़ास नहीं, क्योंकि जब भी मैंने ईद कभी या तो मैंने बनो आई डी पीस के साथ की या कभी फिर मैंने सलाबजद गान के साथ की, कभी मैं ईद पे भी ट्रैवल करती हूँ और आई गो देयर. लेकिन अलबत्त ये कह सकते हैं कि बचपन में और इस ईद में फ़र्क है. और अभी तो जो मेरी टीम के करीब बिल्कुल जो पीटीआई के टाइगर्स हैं वो मुझसे कहते हैं ईदी भी दे मैडम. हालांकि मैं अपने बाबा से हमेशा ईदी लेती हूँ. मैं कभी अपने बाबा को, मेरे बाबा कहती हैं तुम जो मर्जी बन जाओ, मैं हो तो मेरी वही बेटी ना. बेशक. तो इसलिए ये फ़र्क है कि बचपन में ज़ाहिर बात है केयर फ्री थे, दादी को मिलने वज़ीरिस्तान जाते थे, बाबा की पोस्टिंग होती थी तो आपको पता है कि वो केपीके में तो वैसे एक दिन पहले हो जाती थी ना. तो हम पहले फ्रेश फर्स्ट डे की दादी के साथ गुजार लेते थे. वैसे कि आप मुफ्ती पोपल जई वाली ईद के साथ ही ईद किया करती थी, इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह सब एक साथ ही. इस दफा तो फवाद चौधरी ने हर चीज सिंक्रोनाइज कर दी. आई थिंक क्रेडिट गोज टू फवाद चौधरी साहब. मैंने अपने बचपन में खुद मैं सामने हम देखते थे कि चांद निकल आता था. उस वक्त शायद इस तरह की पोल्यूशन भी नहीं होती थी, इस तरह के फजाई आलूदगी होती नहीं देख लेती थी शीशे में. वो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. लेकिन ये कि अक्सर ये होता था कि अपनी दादी की से चूंकि रूट्स हैं, मिलने ज़रूर जाना होता था. तो उसमें ये होता था कि उस वक्त स्टूडेंट थे तो वहाँ पे चूंकि मेरे ख्याल में ये चूंकि इलाके के लिहाज से भी होता है कि कहाँ पे पहले नज़र आता है. और ज़ाहिर पे चांद की अपनी एक वो है, हम उसको नहीं चैलेंज कर सकते हैं. लेकिन वहाँ पे फिर हमें नज़र आता तो हम ईद पहले कर लेते थे. लेकिन शहर चूँकि ऑफिशियल करता है नेशनल उसके साथ, तो हमेशा नई ईद ही मनाई है. मतलब इस तरह का बस फ़र्क ये है कि बचपन में केयर फ्री बहुत थे, ईद को बहुत इंजॉय करते थे, मेहंदी लगाना बहुत खुशी होती थी, दादी को मिलना और हर घर जाना, ईद खाना अपने चचाओं के घर और अपनी कज़न्स के घर. बड़े हो के शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें चेंज हो गई हैं. अभी तो इस ईद पे देखें पेंडेमिक की वजह से बहुत तकलीफ़ हैं, दुनिया और पाकिस्तान बहुत आजमाइश से गुजर रहा है. बाबा से जो ईदी मिलती थी वो कितनी मिलती थी? बाबा जब बहुत छोटे होते थे तो 100 रुपीज़ का नोट देते थे. अभी उनकी मर्ज़ी ये 1000 दे दें, 2000 दे दें या 5000 दे दें. डिमांड नहीं होती. डिमांड तो मैं खान साहब से करती हूँ, अपने हस्बैंड से. उनसे मैं करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ बेशक मैं मिनिस्टर बन गई हूँ और बेशक मैं इंशाल्लाह और तरक्की करूँगी, लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि आपके जेब के ऊपर मेरा हाथ नहीं होगा. मैं उनसे कहती हूँ ये मेरा राइट है. उनसे मैं बहस कर लेती हूँ. आपसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो 2-3 दफ़ा जब खान साहब कहते हैं तो ऐसा लगता है आप इमरान खान के लिए बात करें, लेकिन ये नाज़रीन को पता होना चाहिए कि सरताज अपने हस्बैंड को खान साहब कहती हैं. वो एक्चुअली क्योंकि वो भी पठान है ना, खान है, अखंड हुमायूं रज़ा खान. और जो प्राइम मिनिस्टर है ना, देखिए ना, वो तो फिर ग्रेट खान है. वो तो ग्रेट खान है, वो तो पूरे पाकिस्तान के खान है. वो तो एक फादरली फिगर है. वैसे ईद पर कुछ खाना पकाने का सिलसिला होता है, पकाती हैं? मुझे ईद उल अज़हा पे ज़्यादा मैं काबली पुलाव बनाती हूँ. मैं चपली कबाब बनाती हूँ. आई लाइक किशमिश वाले. हाँ जी, आई लाइक टू कुक. आई यूज टू कुक अलॉट. सैलड्स बनाना मुझे बहुत पसंद है. मैं चपली कबाब अच्छे बनाती हूँ, चिकन कढ़ाई अच्छी बना सकती हूँ. वैसे खाने से मुझे याद आया, एक दफ़ा चूंकि आपको पता है पीएम साहब तो खाना नहीं खिलाते हैं कैबिनेट में ना, वो तो मुश्किल से तीन बिस्किट और एक चाय मुश्किल से मिलती है. तो एक दफ़ा मुझे याद है बीच में ब्रेक हुई क्योंकि पता नहीं कौन सी वोटिंग थी, या तो हमने बजट पास करना था या कोई ऐसा मौका था कि बड़ी प्रोलॉन्ग मीटिंग गई. तो मुझे वो वाक्य आपको सुनाती हूँ, बड़ा मजा आया. मुझे अली अमीन घंटापुर कहता है कि सरताज तुम भी कभी कोई चीज़ बना लिया करो ना. देखो शीर डॉक्टर शीरी मज़ारी जो है वो सैंडविचेस अच्छे बना के लाई है. तो क्योंकि उन्होंने डॉक्टर शीरी मज़ारी और शेख रशीद साहब ने एज़ प्रोटेस्ट कहा कि हम खुद ही अपने घरों से ले आया करें, पीएम साहब तो खर्चा नहीं करते अच्छा. आवाम के टैक्स पे पैसे पे. तो उन्होंने कहा कि जी तुम भी कभी कोई चीज़ बना के ले आया करो. तो मैंने कहा कि जितना तुम इलेक्शन जीत के आए उतना मैं भी इलेक्शन जीत के आया, तुम पिज़्ज़ा बना के ले आओ ना फिर. ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे ये डिमांड करो, मैं भी मर्दाना वाला इलेक्शन जीत के आया. तो सारे हंसना शुरू हो गए. वो मैंने आपका एक बयान देखा हुआ है जहाँ आप कहती हैं कि शादी तबाही है तो फिर लव मैरिज ही कर लो. तो अब ये बताएं कि अब तबाही हुई है या क्या हुआ है? शादी करके बंदा तबाह नहीं होता, लेकिन ये कि एक
क्या उसको कहते हैं स्पॉइल्ड बच्चा जो है ना वो आपके हवाले कर देते हैं, इसको सही करें। तो आप सही कर रही हैं? मेरे ख्याल में हम एक दूसरे को ही सही करते रहते हैं। हमारा ऐसे कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। I really like जुबैदा जलाल, उनको शीरी मजारी, डॉक्टर शीरी मजारी बहुत पसंद है। तो इस पे हम जानबूझ के तुझसे थोड़ी सा सरताज की फैमिली के हवाले से इतनी सारी गुफ्तगू हो रही है, तो फिर आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, क्यूट सी बेटी सरताज की और उनके हस्बैंड दोनों को बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, प्लीज आइए। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत आपके सारे क्रू को ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। ओह वाओ, हु इज ही और शी? शी, इसका नाम क्या है? कैरमल। कैरमल, हाउ क्यूट, ईद मुबारक कैरमल। कैसी हैं शाला लई आप? ठीक। कैसी ईद मना रही हैं? ठीक मना रही हैं, अच्छी मना रही हैं। मम्मा बाबा से ईदी मिल गई आपको? मम्मा देंगे ईद और बाबा भी। कितनी ईदी लेनी है? मम्मा 2000 देंगे, बाबा 3000। अच्छा, वैसे मुझे पता चला है मम्मा कहीं जाती हैं तो आप बड़ा हिसाब किताब रखती हैं कि मुझे इतने इतने पैसे चाहिए फिर मैं आपको कहीं जाने दूंगी। ये क्या सिचुएशन है भाई, ये क्या करती हैं आप मम्मा के साथ? ये क्या करती हैं? मुझे अपने फेवरेट मॉल से जाना है। तो मम्मा को आप ब्लैकमेल कर रही होती हैं, है ना? फिर अच्छा, दिल चाहता है मम्मा के साथ जाने का? हाँ, फिर जब मम्मा आपको पैसे देके चली जाती हैं उसका क्या करती हैं? फिर मेरी जो आप टीचर मैं उनके साथ जाती हूँ सेंटावेस, और फिर अपने फेवरेट सिंग्स पे जाती हूँ और फिर फूड खाती हूँ। अच्छा, कैन यू टेल व्हाई यू डू प्लांटेशन? हु टोल्ड यू? इमरान खान टोल्ड अस टू, सो पाकिस्तान शुड बी ग्रीन ग्रीन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ग्रो प्लांट्स। आपकी कैसी गुजर रही है ईद, और आपने सरताज को ईदी दे दी है? वैसे सरताज तो अगर इसको ईदी ना दूं तो ये जबरदस्ती ले लेती है मेरे से। झगड़ा बड़ा शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। खातून है, फॉरेन चैलेंज, ईदी निकाले। तो कितनी ईदी देते हैं आप? तो ये डिपेंड करता है इसकी जितनी डिमांड होती है। आपने कितनी इस दफा का क्या आपने अपना रेट खोला है इनके लिए? ईदी दे भाई इतनी। तो देखो ना किरण, इतनी महंगाई हो गई है कि अब 5000 से तो कोई चीज कम पे आती नहीं है। तो मैं कितने 5000 से स्टार्ट करें? तो ये हर घंटे की होती है कि एक घंटे बाद 11 बजे आप मुझे 5000 रुपए दे दें, फिर दोपहर की? मैं अपने बचपन में ये किया करती हूँ, सुबह की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग। नहीं, वैसे मैं निकलवा लेती हूँ काफी सारे पैसे, काफी सारे हर वक्त नहीं, कभी कभी मुझे ज़रूरत होती है। मगर अक्सर जैसे मैंने आपको किरण बताया, मेरे पास जो बच्चे हैं जो अपने पीटीआई के टाइगर्स हैं उसमें से कुछ लाडले होते हैं, नहीं आप मैडम दें हमें ईदी, तो मैं उधर ईदी तो दे देती हूँ। अच्छा, यानी आप यहाँ डाका डाल के जेब पे और आप उधर जो है ना अकोमोडेट कर रही होती है। लव एट फर्स्ट साइट वाला सिलसिला है क्या? अब लव मैरिज है आप लोगों? हाँ, डेफिनेटली ज्यादा पसंद तो मैं ही करता था। अच्छा, तो ये कहाँ मुलाकात करते थे? चले इसी किस्से पे बाद में आते, पहले बताएं कि जब किया तब कहाँ किया? एक्चुअली मैं भी लाहौर में था पढ़ा, तो ये भी लाहौर में, हमारा कॉलेज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, ये इनका एनसीए था, तो बस वो इत्तेफाक लिखा होता है तो जोड़े आसमानों में बने हुए होते हैं। अच्छा, लेकिन जिस टाइम इन्होंने मुझे देखा था ना, इन्होंने मुझे एक स्माइल पास की थी गुजरते हुए, उसके बाद कभी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। बाद में ना इनकी सिस्टर हमारे घर आई रिश्ता लेने के लिए। और उस स्माइल पे पहले आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि जितनी दबंग आप हैं ना, अगर आपको कोई ऐसे स्माइल पास कर दे तो फिर अल्लाह ही खैर करे उसका। इनके साथ एक और लड़की खड़ी थी और वो कौन थी? नहीं, वो जो 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 लड़की खड़ी थी ना किरण, यकीन करें मैं जिस आदमी के साथ ज्यादा इधर उधर लड़कियां खड़ी हो ना, मैं उसकी ज्यादा इज्जत करती हूँ। मैं समझती हूँ इसका मतलब है कि वो लड़कियों का खवातीन को रिस्पेक्ट देता है तो खवातीन साथ खड़ी है ना। वरना तो देखो किरण, अल्लाह ताला ने खवातीन को इतनी सेंस दी हुई है कि जो ठीक नहीं होते उन मर्दों से खवातीन दूर भागती हैं। डरते हैं आप मिनिस्टर साहब से? ऐसा महसूस हुआ मुझे। डरना तो हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, हर शरीफ आदमी डरता है। बहरहाल ये कि मैं पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उसमें गाइडेंस मेरी होती है कहीं पे, अगर मैथमेटिक्स इसकी बिल्कुल वीक है ना, मतलब जीरो उसका पता नहीं होता, जब भी कोई होता है कि 25 लाख में कितने जीरो आते हैं। वैसे सीरियसली, बल्कि मैंने इनको एक वो हमारे एम्बेसडर और डीजी खान के बच्चे, उन्होंने सैरी का एहतमाम किया था, तो मैं उनको एक सैरी के पैसे देना चाह रही थी कि वो हम मेरी तरफ से कर लें। तो मैं उधर जब जीरो लिख रही थी 25 के साथ, तो मैंने इनसे कहा खान साहब जरा आके देख लें, ये ना मैं 25 लाख का चेक दिए बैठी हूँ ना, तो ये कर। तो उसकी रमज़ान के साथ साथ ईद भी हो जाए। तो आप दोनों का ताल्लुक सियासत से है, कोई परेशानी नहीं हुई सियासतदान खातून से शादी करते हुए? नहीं, ये सियासतदान खातून नहीं थी, ये जब शादी करके आई उसके बाद फिर सियासतदान। अच्छा, तो इसमें आपका किरदार ज़्यादा है?
कि ये सियासत में आए? बेसिकली इलेक्शन लड़ना मैंने था, मैं आपको वही मैं आपको बात बता रहा था, इलेक्शन मैंने लड़ना था, ये मेरी सपोर्टिव आप कह लेना कि वुमेन मीटिंग हो गई उस हवाले से ये एक्टिव थी। तो जब इलेक्शन की बात मैं वही बता रहा था 2013 में पीटीआई को कैंडिडेट नहीं वहाँ अवेलेबल था, तो एनए के ऊपर मैंने इनके कागजात खुद ही मैंने किए कि अगर कोई बंदा नहीं होगा ये ना हो कि पार्टी की बेइज्जती हो जाए। कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल खातून से मुश्किल है शादी होना, मैं बताता हूं या मैं उस साइड पे आ रहा हूँ। तो इनको फिर मैंने इनसे वादा भी किया था ना कि मैंने कहा था कि आपको ना असेंबली में मैं पहुँचाऊँगा किसी भी तरीके से, ये इनको भी याद होगा शायद। तो खैर इनको इलेक्शन लड़वाया, मैंने भी इलेक्शन लड़ा। अब ये है कि हल्के की जिम्मेवारी जो होती है ना, ये ज़्यादातर टॉक शोज़ हो गए, मिनिस्ट्री हो गई, उसकी तरफ वहाँ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। हल्के के अंदर खैर 3 दिन वहाँ पे भी जाती हैं, मैं भी होता हूँ, तो सपोर्ट इस हवाले से मतलब एक थोड़ी सी ना लाइफ डिफरेंट हो गई है। किरण मैम के बाबा तो हमारा ये बेनिफिट है, हम दोनों पॉलिटिशियन हैं। मैं खुद मतलब ISF का हिस्सा थी, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑर्गेनाइजर थे बिफोर आर मैरिज। वी वर बोथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अब उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वी वर बोथ हिज फॉलोअर। मैं समझती हूँ कि अगर आप एक ही फील्ड में हैं दोनों तो शायद एक दूसरे को ज्यादा बेनिफिट है, आपको बेनिफिट है, आपको उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। और फिर मैं ये तो ये समझती हूँ कि अगर हमें तो गोल्डन कपल कहते थे, हम दोनों जब फील्ड में जाते थे ना तो ये अपना गुर इस्तेमाल करते थे, अपना जो इनकी है और मैं अपना, तो अल्लाह ताला ने हमें वो साइबिलिटी, हाँ ठीक है मुझे बेनिफिट ज़्यादा हुआ, एज ए खातून मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। अच्छा हल्के में तो जाती रहती हैं, पार्लर कितनी बार चली जाती हैं महीने में? पार्लर वहाँ पे तो पार्लर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ से तो जाती होंगी, यहाँ तो आपके सामने जाना पड़ता है। वो तो आप लोगों ने किरण प्यारा बना दिया है, वरना खान साहब ठीक कह रहे हैं, आई डोंट गो एट ऑल टू एनी ब्यूटी पार्लर। एक दिन ना मुझे बड़ा शौक हुआ, मैंने बाल काले कर दिए, तो मेरी मदर इन लॉ आई, उन्होंने तो बाकायदा इस बात पे इतना अफसोस किया, गुस्सा किया, लो मैंने तो लोगों को कहा है मेरी बहू गोरी चिट्टी लंबी और बाल बोले बुरे बालों वाली है, तुमने बाल काले करवा दिए, यकीन करें। फिर मैं गई, मैंने वापस उनको अपना कलर वो भी खैर मुश्किल से वापस तो ना आया, वो कुछ अजीब सा ही हो गया, यानी आई थिंक बर्नेट में चला गया। तो मेरी मदर इन लॉ ने भी मतलब जायनमाज पे बैठ के ना हर वक्त मेरे लिए वजीफे पढ़ती हैं, तो जो मेरी बाकी देवरानियाँ हैं ना वो हैं बहुत स्वीट, मेरे साथ बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन ये कि वो कहती हैं यार अम्मी को क्या है, सारा टाइम जरताजी करती रहती हैं। तो जब नाराज़गी होती है आप लोगों में तो एक दूसरे को मनाता कौन है पहले? अब तो हम एक दूसरे को मनाते भी नहीं है, हमें पता होता है कि खुद ही मान जाएंगे कि नहीं, कि इतने अरसे के बाद हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा। मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पहले बात करूं या ये बाद में, मैं कहती हूं मतलब फर्ज करें अभी हमारा मूड आपस में हम डिस मूड हुए हैं और अभी 10 मिनट के बाद हमारे ड्राइंग रूम में हमसे लोग मिलने आए हैं, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अब मैंने मनाया, मैं कहती हूँ आए खान साहब वो आए हुए। अच्छा मुझे एक बात पता है जरताज के हवाले से कि ये छोटी सी चीज़ पर मान जाती हैं, अब मुझे तो जरताज ने बताई भी है कि वो आपको चीज़ पता है, तो वो ज़रा बताएं वो कौन सी एक छोटी सी चीज़ है कि आप वो दे दें जरताज को और वो आइसक्रीम। इसके अलावा जरताज आपकी ख्वाहिश भी है वैसे, वो चाहेंगी आप नाज़रीन को बताना कि आपकी जो वो एक बिग ड्रीम है आपका कि आप कुछ दो चीज़ें हाथ में लें और कहाँ जाके बैठ जाएं और बस इस तरह से डेरा गाजी खान में कीकर के दरख्त के नीचे या किसी टीले के ऊपर बैठ के ना एक ड्रिंक मेरे पास हो कोक पेप्सी या फिर मेरे पास चिप्स का पैकेट और मैं ये खाऊं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट लग्जरी है और विल्डरनेस हो हवा चले। अभी तक एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, अक्सर कर चुकी हूँ, रास्ते में जाते हुए ट्रक मुझे पसंद है, हाईवे पे जाते हुए मुझे खाना खाना ट्रक होटल पे बहुत पसंद है। तो जरा हम शाला लई से बात कर लेते हैं थोड़ी सी, मामा की तरह बनना है या नहीं, मामा की तरह नहीं बनना, कुछ और बनना है, बनना क्या आपको? मैंने एक सिंगर और डॉक्टर। सिंगर और डॉक्टर? पूछिए डॉक्टर कौन सा बनना है? डॉक्टर कौन सा? कैंसर का। कैंसर का डॉक्टर बनना है? एंड व्हाट डू यू कॉल द कैंसर डॉक्टर? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सिंगिंग। Yes, दोनों दोनों चीजें एक साथ साथ अपने पेशेंट्स को चेयर अप करने के लिए फिर सिंगिंग भी किया करेंगी, है ना? बेस्ट ऑफ लक। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जरताज की ब्यूटी के हवाले से बड़ी बात होती है,
बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा वोट बैंक तो सरताज के ब्यूटी की वजह से है, तो आप हस्बैंड तो फिर हस्बैंड होते हैं ना, तो आपको गुस्सा आता है इस बात का? नहीं, डीजी खान में अगर आप देखें ना तो उसमें ज़्यादातर जो है ना ख़वातीन, इसका इसके बाद डबल एज है। एक तो ये कि मर्दों के अंदर हो गया, मतलब कर लिया, उसके बाद फिर ख़वातीन के अंदर घरों के अंदर जाके ना, ये एज मैं कह सकता हूँ कि घरों के अंदर जाके जो जिन ख़वातीन के साथ इसकी मुलाकातें होती हैं वो इसकी फिर पक्की वोटर हो जाती हैं। देखो आपको गुस्सा, चले गुस्सा ना भी आता हो, हसद जलन वलन कुछ होती है? मेरी बेगम की हर कोई ब्यूटी की बात कर रहा है। मेरा ख्याल मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। कपड़े आप डिज़ाइन करती हैं वैसे? अपने टेक्सटाइल ग्रेजुएट हैं, करती हैं? पहले बहुत करती थी लेकिन ये कि अब टाइम नहीं होता, लेकिन ये कि कोशिश करती हूँ कि डिसेंसी हो, सिंगल कलर टोन हो और उसमें कोई हिस्सा नजर ना आए। कुकिंग भी अच्छी करती है। ओके, अभी करवाते हैं, हम लेके चलते हैं। बिल्कुल, कुकिंग भी करवाएंगे और जरा टेस्ट भी करेंगे। जरताज, वैसे आप कितने दिन लगाती हैं अपना एक ड्रेस डिजाइन करने में? नहीं, बस अच्छे कपड़े, अच्छे ब्रांडेड, बस सिंगल कलर टोन होनी चाहिए। खरीदे जाके दर्जी को, उसका इनके मार्केट है, खुद करने के टाइम नहीं, नहीं, इनकी अपनी मार्केट है। ओके, प्लाजा इनका, उसके अंदर दर्जी भी बैठा हुआ है, कपड़े वाला भी बैठा हुआ है। वैसे तो ब्रांडेड कपड़े इधर उधर से स्टिच पे मिल जाते हैं, तो दर्जी को बुला लेती हूँ, वो तो एक रात में 8 सूट भी सी देता है। अच्छा, उसको पता ही किराए में से कट जाए। रिपीट कितनी बार करती है? रिपीट मुश्किल 3 दफा, मुश्किल एक ड्रेस को 3 दफा रिपीट। कितने दिन के बाद? एक यहाँ पहन लेती हूँ, एक डेरा गाजी खान में पहनती हूँ, या अगर एक जगह कहीं मौका मिला दोबारा। लेकिन मैंने ना किरण एक वो बनाया हुआ है कि अगर मैं 4 सूट खरीदती हूँ तो मैं 4 जोड़े पहले से निकाल के गिफ्ट देती हूँ अपनी फ्रेंड्स को, कजन्स को, जो मुझे पहले से कह देती हैं। और मैंने तो अगर मैं आज 5 सूट किसी को गिफ्ट कर देती हूँ, रात को मेरे पास 10 गिफ्ट आ जाते हैं। मतलब मैं, मेरी कुछ ऐसी मेरे साथ फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहती हैं कि आप हमें गिफ्ट ना दें, हमें अपने सूट दे दिया करें। मेरी कज़न शज़न्स भी कहती हैं, मैं उनको भी दे देती हूँ। और दूसरा ये कि मैं ईद पे और किसी की खुशी पे किसी को अपना उतरा हुआ जोड़ा, अपनी इर्गर, अपने जो हमारे पास काम करते हैं उनको नहीं देती हूँ, मैं हमेशा नया जोड़ा खरीद के देती हूँ। थोड़ा सा ना हम जरा पॉलिटिकल बातों की तरफ भी आते हैं। मियाँ साहब के दौर में जो वजीर दाखला हुआ करते थे उनके, उनको बड़ा नखरे वाला, चौधरी निसार साहब, उनको बड़ा नखरे वाला कहा जाता था। और मियां साहब उनकी फिर वो जो कह दें फिर माननी पड़ती थी। खान साहब की कैबिनेट में है कोई ऐसा नखरे वाला वजीर? ज़्यादा नखरे वाला तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं जो ज़्यादा वहाँ बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर शीरी मजारी बहुत होमवर्क करके आती है, वो हर पैराग्राफ रीड करके आती हैं, कैबिनेट के फलंदे पढ़ के आती हैं, तो उनकी फिर मानते हैं खान साहब? मानते हैं। मुराद सईद पढ़ के आता है ज़्यादा, या उसको डेट ज़्यादा पता होती है कि फलानी डेट पे हमने ये डिसीजन किया था तो उसका अभी तक क्यों रिजल्ट नहीं निकला। वैसे शफकत महमूद साहब की मानते हैं, असद उमर साहब की मानते हैं और परवेज खटक साहब की मानते हैं। मतलब और फवाद भी अच्छा बोलता है वहाँ पर। हमारी ना कैबिनेट के अंदर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, सियासत में दोस्तियाँ हैं आपकी, ये पार्टी में सहेलियाँ हैं कितनी है, कौन कौन है? मेरी हैं भी सबको शायद अब ऑब्वियस भी पता होगा, मैं, मलिका, मलिका बुखारी, कवल शोज़ब दोस्त है, ताशवीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जवेरिया भी है बहुत अच्छी दोस्त है, इसी तरह वजिया भी है, हमेशा ही, और डॉक्टर शीरी मजारी से भी अच्छी गपशप है। ज़ुबैदा जलाल मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, आई जस्ट लव हर ड्रेसिंग, और इस कदर स्वीट खातून है, इनसे इनसे आप लोगों की दोस्ती है। हाँ जी, मेरी बोल। अच्छा, अब ये बताइए, आपके कुछ क्लिप्स ऐसे वायरल होते हैं जिन पे फिर मीम्स भी बनी है, तो उन क्लिप्स को देख के इन्जॉय करती हैं या बुरा लगता है आपको? किरण, मैं जब तक हर चीज़ इन्जॉय करती हूँ, जब तक के ना पर्सनल ना हो जाए, पर्सनल ना हो। पता क्या, देखिए किरण, मैं कबायली इलाके से आके मैंने मर्दाना वारा इलेक्शन लड़ा डेरा गाजी खान से, मैंने 2 डायनेसिस को शिकस्त दी। अगर कोई मेरी तरह बोल नहीं सकता तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप मेरी ज़बान काट दें। अगर कोई मेरी तरह अच्छे ड्रेसिंग नहीं कर सकता तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप मेरी ज़ात पर कीचड़ उछालें। सिर्फ इतना कहती हूँ कि बस ज़ातियात पर कीचड़ ना उछालें, बाकी देखिए हमारी लाइफ पब्लिक है। ये समझते हैं कि हम 24 आवर्स कैलकुलेटिव बोलते हैं, वी आर नॉट। हम कैलकुलेटर तो वो बोलते हैं ना जिनको पीछे से सारा टाइम फीडिंग होती है, कहीं कहीं आप समझते हैं गलतियां हो जाती हैं। हम, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और हम लोग जब फील्ड में जाते हैं लोगों से बोलते हैं सारा टाइम, हम बोलते हैं उसमें हम पर्चियां नहीं पढ़ते हैं। हमारी पर्चियां नवाज शरीफ वाली थोड़ी हैं कि बिल क्लिंटन से बात करें और पर्चियाँ घुटनों के नीचे गायब हो जाए। वो सवाल, मैं तो स्पॉन्टेनियस बोलती हूँ। पॉलिटिकल करियर में कोई ऐसा मोमेंट है
जिस पे आपको दुख होता हो कि ये कुछ मिस हो गया या कि ये कुछ गलत हो गया? मोमेंट ऐसे हैं जैसे मतलब मैं नैरोबी में थी मेरा ख्याल है, तो मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई थी और पीछे जो उन्होंने मेरी जो सिस्टर है डॉक्टर शबनम गुलवज़ीर PhD है और उन्होंने MPhil में टॉपर हैं और उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस और टेररिज्म में उन्होंने PhD की हुई है, काउंटर टेररिज्म पे उनको अबूर हासिल है, उसको उन्होंने मैट्रिक फेल बना दिया, उसको उन्होंने फेक डिग्री बना दिया और वो 18 साल से खुद और अभी भी वो एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, हमारी हुकूमत को तो 2 साल हुए हैं, तो वो मेरी पार्टी की मरहून मिन्नत तो नहीं है। तो इस तरह के लम्हे आ जाते हैं कि आपकी फैमिली को तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। सवाल तो उनसे होना चाहिए ना जिनके 1990 में 27 लाख के असासे थे और 2018 में रिटायर्ड होके जब यहाँ से गए खादे में आला तो 7 अरब से ज़्यादा के असासे थे। मनी ट्रेल पूछो तो कहते हैं कि दूध भैंस हमारे पास हैं उससे गुजारा किए हुए। मरियम बाजी की 1480 किनाल ज़मीन है लाहौर के अंदर, मनी ट्रेल का पूछो तो कहते हैं कि कतरी खत है। ईद के दिन भी सबको हिचकियाँ आ रही होंगी कि जरताज याद करेंगे ईद के दिन भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे लिए क्राइटेरिया कितना सख्त है। हम जो PTI के कैंडिडेट्स हैं, जो हम लोग जो मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, हमारे लिए इतना सख्त एहतसाब कि हम ये भी बताएं कि स्लिप ऑफ टंग क्या था, या हम टांग पे टांग रख के कैसे बैठे हुए थे, या हम लोगों ने वेस्टकोट किस कलर का पहना हुआ था, या हम लोगों ने तकरीर क्या की। और उनके लिए अरबों के असासे भी माफ, उनके लिए करोड़ों की बिलियंस की करप्शन भी माफ। ईद है तो अपने जो आपके हरीफ हैं उनको भी ईद मुबारक बोल दें। कभी किसी को थप्पड़ लगाया वैसे आपने? पहले बड़ा सख्त टिका देती थी। अच्छा, अब नहीं टिकाती हूँ। अब टिकाए मतलब टिकाए हुए हैं क्या? नहीं, काफी टिका देती थी लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा कोई टिकाती थी। क्यों टिकाया है? कभी कोई वाकया याद? कोई कॉलेज में या उसमें जाते हुए अगर एक होता था या कहीं बाजार में जलते हुए कोई जबरदस्ती टकरा गया जानबूझ के तो पलट के जड़ दिया। हाँ, बिल्कुल। ये बताइए कि प्रोग्राम में जब आप टॉक शोज में होती हैं तो कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके साथ लड़ाई होती है आपकी लेकिन आपको उनके साथ बात करने में मज़ा आता है, आप समझते हैं कि सेंसिबल हैं, ज़बरदस्त बात हो रही है? जारी बात है अपोनेंट्स ही होते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में कि PMLN से मोहम्मद अहमद खान और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक पर्सनल ज़ातियात पे अटैक नहीं करते। बाकी तो अल्लाह माफ़ी दे राना सनाउल्ला और आबिद शेर अली और तलाल और दानियाल अजीज़, मतलब अल्लाह माफ़ी दे उनके से तो अपनी तंजीम साजी अपनी महफूज नहीं है। तो हमने क्या, हमने ब्रेक पे भी जाना है और रैपिड फायर भी होने हैं आप लोगों के साथ और फिर ज़रा किचन का रुख भी हम करेंगे। आज थोड़ा डिफरेंट शो करेंगे ना, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आप मुझे बताएँ कि सियासतदान खातून जरताज गुल के अलावा कोई और पसंद है? सरताज कुल के अलावा किसी और को पसंद कर सकता हूँ? चले ये तो आपका सियासी बयान हो गया, अब असल बात की तरफ आइए। नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो पर्सनैलिटीज़ मुझे काफ़ी अगर क्या कहते हैं लेडी डियाना वो बहुत ज़बरदस्त उनकी जमाइमा मतलब पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो, उसके अलावा अगर पॉलिटिक्स में हमारी पार्टी में मैं पॉलिटिकल खातून का ही पूछ रही हूँ आपसे, उसके आप देख लें श्री मजारी, मैं उनको इस हवाले से कहूँगा कि उनका एक मेरे ऊपर ना वो है पड़ा एक कह लें कि उन्होंने फेवर की थी 2013 में मुझे टिकट नहीं इनको मिल गई थी, वो भी खान साहब ने खुद ही फ़ोन कॉल करके की थी मगर मुझे टिकट नहीं दे रहे थे क्योंकि MNA के ऊपर थी, मैं MPA के ऊपर था। तो उन्होंने फाइट करके ना जो मैं डिज़र्व भी करता था, मैं ये नहीं कि मैं मेरिट के ऊपर नहीं था, डिज़र्व भी करता था, हमारे इलाके में आई हुई थी तो उनको मैंने प्रोग्राम भी दिया था, आई भी थी, तो उन्होंने फेवर करके ना मुझे टिकट दिलवाई थी उस वक्त और मैंने मायूस नहीं किया था। वो एक अलग बात है कि 2013 का इलेक्शन जिस तरह रिग्ड हुआ था, मैं मतलब 200-300 वोटों से मुझे लूज करवाया गया था, तीसरे दिन रिजल्ट आया था। अब अगर कभी लड़ाई में या मजाक में कभी आपने दूसरी शादी के हवाले से कोई बात की है और अगर की है तो फिर ये तो खुद ही कहती हैं दूसरी शादी कर, माशाल्लाह तो फिर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने का सोचते हैं या कहते हैं गलती एक ही बार हो गई है? गलतियां तो करनी चाहिए। नहीं, वैसे मैं सीरियस इनको कभी कहती हूँ लेकिन ये कि मैं इनको कहती हूँ कि फिर मुझसे बेहतर मिलेगी तो नहीं, मुझसे फिर बेहतर ही हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है जी, हम एक अपॉर्चुनिटी का ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ईद मुबारक ऑल ऑफ यू, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जरा किचन का रुख करेंगे।
आज आपने रेट कर रहे हैं कि सबसे बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस वो किसका है, अब पहला दूसरा तीसरा नंबर दे दीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, मरियम नवाज साहिबा, शेरी रहमान साहिबा या फिरदौस आशिक रहमान साहब। शेरी रहमान फर्स्ट, दूसरा आपने किसका कहा? मरियम नवाज और फिरदौस आशिक रहमान, फिर मरियम नवाज और फिर फिरदौस आपा का। सबसे ज्यादा जो परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं, जिनकी परफॉर्मेंस है, उनको रेट करना है आपने। शेख रशीद, परवेज खटक, फवाद चौधरी, सरताज गुल। फवाद चौधरी फर्स्ट। फवाद चौधरी नोज हाउ टू शोकेस हिज वर्क, बड़ी इनोवेटिव हैं, और देखे ना सिंक्रोनाइज करना उसको रुयत हिलाल कमेटी को और टेक्नोलॉजी को, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। फिर उनके होते हुए हमारा मास्क और वेंटिलेटर्स को बनाना, आई थिंक ये बड़ी, जहाँ कमी थी हम उल्टा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सो आई थिंक फवाद चौधरी फर्स्ट पे। परवेज खटक साहब, परवेज खटक साहब को मैं सेकंड पे रेट करूँगी। वैसे तो वो भी फर्स्ट पे हो सकते हैं, लेकिन ये कि परवेज खटक साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ही इज़ अ वेरी वाइज मैन, और उनका एक्सपीरियंस केपी की वजह से, उनकी वजह से तो हमें पूरे मुल्क में हुकूमत मिली, क्योंकि उन्होंने मॉडल सुबोस को बना दिया था, एजुकेशन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, बिलिट्री सुनामी, उसी को तो हमने रेप्लीकेट किया है कर रहे हैं। फिर परवेज अपना शेख रशीद साहब, और अपने आप को फोर्थ पे रखती हैं। मैं अभी बहुत छोटी हूँ इनसे उम्र में फवाद से तो खरीदनी छोटी नहीं होंगी ज़्यादा, लेकिन बाकी से तो छोटी हूँ ना। अच्छा, बतौर वज़ीर आला केपी के आपकी नज़र में बेस्ट कौन रहा है, परवेज खटक या महमूद खान? अभी हम उस्मान बाजार साहब को और महमूद खान को गेज या वो नहीं कर सकते, रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो उनकी तीसरे साल की हुकूमत है, अभी दो साल के बाद भी, क्योंकि चीज़ों की शक्लें अब निकलना शुरू हो गई हैं। आई थिंक परवेज खटक साहब। अब हम क्विकली क्लिप्स दिखाते हैं आपको, sure. और आपने उस पर कमेंट करना है, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना है आपने। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। हम भाषा डैम पे काम, आई लव यू, आई लव, आई लव यू। ओह माय गॉड, ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू। पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे डांग, सॉरी। कमेंट आपका। सुल्तान राही, सुल्तान राही। दूसरा, फिर आई थिंक एक ही जुमले में बात आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। सिद्ध का आइंस्टाइन, सिद्ध का आइंस्टाइन। वैसे यकीनन नाज़रीन ने देखा होगा ये क्लिप्स देखते हुए जो एक्सप्रेशंस थे ना, बड़े मज़ेदार किस्म के सरताज के, मैं तो उन एक्सप्रेशंस को एंजॉय करी थी। एक और क्लिप रह गया, वो भी दिखाया भाई। जो बेरोजगार है, बात सुनो, जो बेरोजगार है वो शासित मिसाल है, अगर वो उसका किस्मत लग गया तो वजीर बनेगा, नहीं तो वो फकीर बनेगा, ठीक है। शुक्र है ये किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है, वरना जो इन्होंने डिग्रियां बांटनी थी ना, रुक के लिख लिख के, डिग्री डिग्री होता है, जाली हो चाहे असली। ओ वाओ, अब हम रैपिड फायर की तरफ आ रहे हैं, आप दोनों इनफैक्ट उसमें जवाब दे सकते हैं, सही या गलत आपने बताना है। इमरान खान की शख्सियत से उनकी सियासत ज्यादा बेहतर है, सही या गलत? गलत। फिरदौस आशिक आवान सबसे ज्यादा मेकअप करती हैं, ट्रू। ओके, मरियम नवाज खूबसूरत है, हाँ बिल्कुल राइट। खान साहब यू टर्न नहीं लेते, अब इसका क्या सही या गलत? नहीं लेते। रियली? हाँ नहीं लेते। यू टर्न तो ये होता है ना कि आप सीधा जा रहे हो वापस, इस तरह नहीं होता। आप मौका जब आता है उसके मुताबिक आपको डिसीजन लेना होता है, ये तो नहीं होता कि आप सीधे जा रहे हैं, आपको पता है कि आपने सड़क पे आपको कट नजर आया तो आप आगे बढ़े और रॉन्ग रूट पे आप आगे निकले। ये तो ना कि ना कुछ आज फिर पिसलना पड़ेगा वही जाके दोबारा जीरो, ऐसा थोड़ी होता है। मईशत नवाज शरीफ दौर से अच्छी है, हमारी हो रही है, बेहतर हो रही है। कोविड 19 के 19 पॉइंट्स हैं अब तो, कितने हो गए वेरिएंट के साथ, अब तो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, अब तो उसका नाम चेंज हो गया है, वेरिएंट हो गया है मेरा ख्याल है। डिफरेंट आ रहे हैं, ब्राजील का आ रहा है, इंडिया का आ रहा है, कोई अब तो वेरिएंट हो गया है, बर्तानिया का आ रहा है, मतलब इतने सारे को वेरिएंट हो गए। चले, अब शेख रशीद साहब को शादी कर लेनी चाहिए अब। आई थिंक इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। सही, कुछ सियासतदान, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, उनकी मर्जी है, मतलब क्या पता
Let's see. कुछ सियासतदानों को वो अदाकारों से ज्यादा अच्छी अदाकारी करते हैं, कुछ सियासतदान अदाकारों से ज्यादा अच्छी अदाकारी करते हैं. बिल्कुल, होते ही बड़े बड़े फनकार हैं. शहबाज शरीफ सबसे बड़ा फनकार है. अच्छा, अब मैं आपको कुछ जुमले दूंगी और आपने आपको किस चीज से क्या याद आता है, कुछ उसका आंसर करना है आपने. मेरे पास तुम हो, खान साहब है ना, नागिन डांस. शहबाज गिल आप बताएं कुछ. बहुत तेज. तंजीम साजी. तलाल चौधरी. घर दामाद. वो सुना है कि सफदर में और इसमें जरदारी साहब में मुकाबला है, सफदर ने खुद किया है. अच्छा, अब आप लोगों ने कुछ मशवरे देने, मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगी तो आप उनको मशवरा दीजिएगा. जैसे उन्होंने बड़ी हमारी सुन ली है. चलें, आप अपनी तरफ से तो जिम्मेदारी पूरी करें, आगे उनका मसला. हमारी तो खास नहीं सुनते, तो उन्होंने हमारी क्या सुनी है. ये बड़ा गलत है. अब बेगम आपसे शिकायत करेंगे, ईद का दिन है भाई, कोई फरमाइश है तो फिर कर दें जरदाज, ताकि हाथ के हाथ फरमाइश पूरी हो जाए. मैंने कहा आप जमीनों के पैसे में मुझे भी देना है. जब फसल आती ना जमींदार के, ये बड़ी चलाकी होती है, फसल खराब हो गई थी इतने अच्छे नहीं, तो मैं अब मैंने इनको इस दफा कहा है कि अगर आपने हमें जमीनों में से मुझे शलाले को पैसे ना दे तो अच्छा नहीं होगा. तो आप बता दें भाई, दे रहे हैं नहीं दे रहे. दे रहा हूं. फसल अच्छी हो चाहे ना हो. नहीं, फसल अच्छी हो. ईद के दिन ये वादा हो गया. नहीं, इस दफा फसल अच्छी हो. चलें, माशाल्लाह जी. चलें, अल्लाह करे मजीद अच्छी हो, हमारे मुल्क का ही फायदा हो उससे. अब किसे मशवरा क्या देंगी आप? मौलाना फजल रहमान साहब. सो मेरा ख्याल है कि अब वो तौबा करके हज पे चले जाएं, माफ़ी मांग के वापस जो है ना दीन की वाकई खिदमत करें, क्योंकि जो गुफ्तगु वो करते हैं वो आलम दीन के शाय निशान नहीं. सही. मज़ेदार ये वाला राउंड भी हमारा निकल गया है. और अब फाइनली, क्योंकि हमारा भी अब प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त ऑलमोस्ट करीब आ रहा है, तो वो जो खाना तैयार हो चुका है जो जरताज ने बनाया है हमारे लिए अपने हाथों से, तकरीबन उस तरफ चलते हैं टेबल पे और देखते हैं कि जरताज का ईद का दिन टेबल पे घर वालों के साथ कैसा होता है. आ जाइए. सो फाइनली खाने की टेबल पर आ गए हैं हम. वो कढ़ाई जो पका रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं और जरताज नहीं, सिर्फ जरताज और मैं बातें बगा रही थी. वो कढ़ाई अब फाइनली रेडी हो गई है. सर, वैसे पहला हक इस पे आपका बनता है, प्लीज आप. लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना कि मर्द के पेट से होकर गुजरता है दिल का रास्ता, तो आप तो ऑलरेडी दिल में बसी हुई हैं. सो मैं ही इसको ट्राई कर लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ. कहते हैं मेहमान रहमत होता है. जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है वैसे. और कहते हैं हमारे अपने तो पठान ही नहीं समझते उसको जो मेहमान नवाज ना हो. ओके, तो मैं सबसे पहले जरा ये कढ़ाई टेस्ट करना चाह रही हूँ. वैसे मैं अगर जरदाज के साथ नहीं होती तो मैं जरूर शक कर सकती थी कि वाकई आपने बनाया है, लेकिन क्योंकि मेरे सामने बनाई है तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है. बहुत मज़ेदार, यमी जैसी खुशबू आ रही थी, ये वैसे ही टेस्ट भी आ रहा है. थैंक यू वेरी मच जरताज, आपका बेहद शुक्रिया. आज ईद का दिन है, अपनी फैमिली का टाइम होता है, लेकिन आपने हमें टाइम दिया, लोगों को टाइम दिया. एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी कि सादगी की बात होती है खान साहब की हुकूमत में. अब वो खान साहब की हुकूमत में कितनी सादगी है, कैबिनेट में कितनी सादगी है, खान साहब की अपनी सियासत में कितनी सादगी है, ये डिबेटेबल बात है, इस पर बात हो सकती है. लेकिन यहाँ जरताज गुल के घर पे मैं ख़ुद मौजूद हूँ, मैंने एक टाइम गुजारा है इनके साथ, लेकिन आपकी शख्सियत में सादगी और आजिज़ी जो मैंने देखी है, मैं किरण नाज ये बात आपको बड़े वसूख के साथ कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा है. और कहते हैं कि जो दरख्त झुका हुआ होता है वो ज़्यादा फलदार होता है, या जो आजिज़ होता है अल्लाह ज़्यादा उसको नवाजता है. तो शायद ज़रूर बिल्कुल पसंद नहीं. तो ये जो मालिक आपके ऊपर इतनी करम नवाजियाँ कर रहा है वो शायद आपकी आजिज़ी की वजह से. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. हम खाना खाते हैं, आप तमाम लोगों का प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया. हम सब की तरफ से बहुत बहुत एक बार फिर ईद मुबारक. ईद एंजॉय कीजिए.